तो ऐसा क्या पढ़े इंग्लिश आ जाए। तो इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत हमने स्टार्टिंग जो क्लास करवाया था वो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड से करवाया था, याद करो वो दिन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, तो इंग्लिश में एक ही रूल काम, जितना क्लास करो तुम, एक क्लास करो, हजार क्लास करो, एक दिन पढ़ो, हजार दिन पढ़ो, एक साल तक पढ़ो, यही तीन चीज तुम पूरे क्लास में पढ़ते रहते हो, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। तीसरा पार्ट इसमें कुछ होता है नहीं, इन तीनों के अलावा चौथा कोई पार्ट है ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड को कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे क्लेरिफाई किया जाए। तो समझिए गौर से क्या कहना है। स्ट्रक्चर इंग्लिश में दो काम करता है। पहला स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट हेडिंग, हेडिंग क्या बनाया है, सिंपल प्रेजेंट बनाया ना, हेडिंग हिंडलाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस कौन सा है भाई, सिंपल प्रेजेंट। समझिए गौर से, टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट। हमने कल बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में क्या अंतर, राइट। तो स्ट्रक्चर जो काम करता है, पहला स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। समझिए गौर से, वर्ब का दो फॉर्म प्रेजेंट होता है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये दो फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। पहले समझा दूं क्या होता है, वी वन और वी फाइव भी कह सकते हो, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म कह सकते हो, राइट। ओरिजिनल जो वर्ब होता है वी वन होता है, एक ही वर्ब का फॉर्म होते हैं, पांच नहीं होते, राइट। बाकी जो पांच हम निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। आदमी एक ही है, हजार बच्चों को जन्म देता है, राइट, तो सब आदमी ही कहलाता है। उसी प्रकार वर्ब एक ही है, वहीं से वर्ब का सेकंड फॉर्म निकलता है, वहीं से वर्ब का थर्ड फॉर्म निकलता है, वहीं से वर्ब का फोर्थ फॉर्म निकलता है, राइट। जितने बच्चे हैं बेटा फटाफट देखो, करना कि आप लोगों को लाइक्स नहीं, सारे बच्चे को लाइक्स बढ़ाना, रुक जा नेट और लाइक्स तेजी से बढ़ाइए इसको, 5000 लाइक्स होना चाहिए। जो यूट्यूब बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे, लाइक्स बहुत कम है, चूंकि अभी जस्ट लाइव लगवाया हूँ, लाइव कल से लगा नहीं था, अभी जस्ट हमने बोला कि यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा पढ़ा दिया जाए, इसलिए लाइक्स तेजी के साथ बढ़ाइए। यस, हाँ तेजी से बढ़ाओ, 500 हो गया, जल्दी से इसे 5000 करना है फटाफट। यूट्यूब वाले बच्चे से बात कर रहा हूँ, लाइक्स तेजी से बढ़ाइए इसको, तभी मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का। लाइक्स का फायदा यह है कि आपके सर के अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, ठीक है। चलिए जल्दी से वापस आगे बढ़ते हैं। अब V1 का मतलब क्या होता है, प्लूरल। V1 का मतलब क्या होता है, सीख लो फटाफट। V1 का मतलब होता है प्लूरल, और V1 प्लस एस या ES करते हो तो वो बन जाता है सिंगुलर, क्लियर। यानी जो V1 हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल, और V5 क्या हो गया, सिंगुलर, क्लियर। अब सिद्धांत दो, अब ध्यान दो, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। अभी बताओ कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सिंगुलर। अब बताओ कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी ये सब क्या होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, गलत। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फॉर्म सुनना भी है समझना भी है, अगर सब्जेक्ट क्या है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, V5। अगर सब्जेक्ट क्या है तो वर्ब क्या लेगा, V1। अच्छी बात समझिए, अब V1 का मतलब क्या होता है, गो। V1 का मतलब इट, और V5 का मतलब गोस, V1 का मतलब इट्स। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, गो। क्रियापति, यहां तक समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लिया फटाफट, कॉपी करते रहना। सब्जेक्ट प्लूरल तो V1, सब्जेक्ट सुनो तो V5, सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5, सब्जेक्ट प्लूरल तो V1। यहां तक फटाफट कॉपी सबने कर लिया। लाइक्स बहाना है बेटा, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक्स बहाना है तेजी के साथ, लाइक्स बहुत कम हो रहा है, लाइक्स बढ़ाइए तभी क्लास आगे बढ़ेगा आप लोगों का, नहीं तो पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा। यस, बहुत बढ़िया, लाइक्स तेजी के साथ बढ़ाना है सारे बच्चों को। यस, सौरभ कुमार, जेएस यादव सर, जेएस यादव, अच्छा जेके यादव, बहुत बढ़िया। निशी गुप्ता, फैजल खान, ठीक है बेटा आगे बढ़ो फटाफट से।
यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। पहले स्ट्रक्चर का खेल खेलो, फिर आगे बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाऊंगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड तो कोई आपत्ति होगा? अगर मैं कह दिया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड तो कोई आपत्ति? इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब यहां पे सब्जेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंगुलर होगा तो क्या आ जाएगा V5 और प्लूरल तो क्या आ जाएगा V1। अच्छी बात, देखो वो लिख रहा हूं, हम एग्जांपल दिया राम, बचपन से राम पढ़ते हैं। यहां एग्जांपल दिया राम एंड श्याम, एक एक बच्चे को सिखाऊंगा, चूंकि शपथ लिया हूं मैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा सीखेगा अंग्रेजी, इसलिए शपथ का काम राम कितना है तो राम सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर। हम बोलते हैं कि राम स्कूल जाता है तो पहले राम जाता है बोलो, राम जाता है, राम गो बोलूं या गोज बोलूं तो राम सिंगुलर तो भर्व का फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब एस या एस, तो राम गोज, राम अकेला, श्याम अकेला, राम एक है श्याम एक है, कितने हो गए दो, तो सिंगुलर की प्लूरल प्लूरल। तो हमने बोल दिया राम एंड श्याम गोज, राइट बोला कि रॉन्ग बोला? रॉन्ग बोला, समझ में आ रहा सबको? राम एंड श्याम गोज होगा, गो होगा, बहुत बढ़िया। अब सही हो गया, कोई आपत्ति किसी को? बहुत अच्छी बात, बोर्ड पर नजर टिकाए रखिए, अभी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना, सिर्फ और समझने का प्रयास करना, अच्छी बात है। हमने कहा सब्जेक्ट, यहाँ देखिए, अब इसी स्ट्रक्चर से मैं डिराइव कर रहा हूँ, पहले डिराइव कर दूँ फिर एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल ड्राइव किया हमने, सब्जेक्ट लिखा, अब मैं V1 के बदले लिखा वांट, कोई आपत्ति है? वांट मतलब चाहना, V1 है कि नहीं, और वांट्स लिख दिया वांट्स, बोलो V5 हुआ कि नहीं हुआ? V1 हमको मतलब भर्व का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है V1 या V5, बस ये दिमाग रट लो, V1 या V5 का मतलब क्या होता है प्रेजेंट, बोलना है फटाफट, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। V1 और V5 का मतलब क्या होता है प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अब वांट कहां लेगा जब सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल, वांट्स कहां लेगा वांट। अब ध्यान दो, एक भर्व का काम हो गया यानी प्रेजेंट टेंस का काम खत्म। अब अगला सेंटेंस जोड़ने के लिए, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्लियर हुआ? अब प्रश्न उठता है कि वांट का प्रयोग करते कहां, ध्यान देना, जब किसी चीज का अभाव होता है, क्या होता है अभाव, तो क्या प्रयोग करते हैं वांट का। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, अभाव है कि नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अभाव है कि नहीं, अभाव का मतलब क्या है कमी। जैसे मिलना चाहता हूं तो मिलने की कमी है, खाना चाहता हूं खाने का भाव है, खेलना चाहता हूं खेलने का भाव, समझ पा रहे हो ना? तो जिस चीज का अभाव हो तो क्या लगाते हैं, यानी वांट तभी लगाना जब किसी चीज की चाहत हो, किसी चीज की कमी हो, किसी चीज का अभाव हो, वहां पे क्या लगाना वांट। यानी अभाव में हम लोग अक्सर टू का प्रयोग करते हैं, यानी टू का प्रयोग तब करते हैं जब चाहत हो, कमी हो, अभाव हो, तो क्या लगाते हैं टू। तो टू यहां पे आया कि नहीं आया, यानी टू प्रीपोजिशन कब लगता है, जब अभाव हो या कमी हो या फिर चाहत हो, क्लियर समझा जी? जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो सब में एक अभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, अंग्रेजी बोलना आता तो चाहते क्यों, तो चाहता हूं तो कमी है ना, तो नहीं बोलना आता इसका मतलब। मैं खाना खाना चाहता हूं, भूखे हो इसका मतलब। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, नहीं मिले हो, समझ पा रहे हो जड़, तो बोलो प्रेजेंट टेंस का भी हुआ कि नहीं हुआ। यानी जितना भी तुम बोलते हो, मैं जाना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, हंसना, सब बनाओ एग्जांपल, सब दूंगा हिंदी में, नहीं पहले जड़ को समझो, उतार लिया तक वांट हुआ क्लियर, एग्जांपल दूंगा क्लियर होगा, सब लिखवाऊंगा हिंदी में, फिर आपसे बनवाऊंगा भी, यहां देखो बोर्ड पे। अब वांट खत्म हो गया, अब एक वर्ड है नो, ध्यान देना वर्ड पे, स्ट्रक्चर में आएगा नो, नो का हिंदी क्या होता है बेटा जानना। अब किसी चीज को जानते हो तो अभाव है कि निपुणता है, जब जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, अभाव है कि निपुण है, मैं खाना जानता हूं, मैं तैरना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, मैं हंसना जानता हूं, मैं या मुझे हंसना आता है, गाड़ी चलाना आता है, तो आता है तो कमी है कि पूर्णता है। यानी अनु का प्रयोग वही करना जहां पे पूर्णता हो या फिर जानना हो, है ना, किस चीज में निपुण हो, निपुण हो तो क्या लगाना
नो का प्रयोग। स्ट्रक्चर देखो, तो सब्जेक्ट के साथ हमने लिखा के ए नो डब्लू नो, कंटिन्यूअस देखते रहो, हमने लिखा के ए नो डब्लू एस नोज प्लस। अब देखो जब किसी की पूर्णता होती है तो हम बताना चाहते हैं कैसे। अभाव होता है तो प्रीपोजिशन क्या लगाया, टू। जब परिपूर्णता होती है, निपुणता होती है, तो हम प्रीपोजिशन हाउ टू का प्रयोग करते हैं, हाउ टू प्लस इवन प्लस वर्ड। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज व्यक्ति को पहले से आता है तो हर चीज बताना चाहता है। जैसे मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मैं जानता हूं, मैं हंसना जानता हूं, रोना जानता हूं, पढ़ना जानता हूं, वहां पे हाउ टू का प्रयोग करना। यानी हाउ टू तभी लगेगा जब किसी चीज की निपुणता हो। समझ पा रहे सब लोग? हाउ टू तभी लगेगा जब निपुणता। समझ पा रहे हैं बच्चे सब लोग? फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और इसके साथ साथ मैं दिखा दूं आप सबों को, अब तक एडमिशन नहीं लिया तो आपने देर कर दिया है ना, न्यू बैच स्टार्ट, ध्यान दो टाइम एंड टेंस, जल्द एडमिशन कराइए वरना सीट खत्म। केवल कुछ ही सीट बचा है, कुछ ही सीट, मतलब सीट भी खत्म तुम्हारा हो जाएगा 2021 का 30 अगस्त। ये बैच जो है 30 अगस्त से शुरू हुआ है, यानी कल से, ये बैच कल से शुरू हुआ है। देर न करो, कहीं देर ना हो जाए, तो फटाफट एडमिशन ले लो। ये टाइम एंड टेंस बैच शुरू हुआ है कल से, आज दूसरा क्लास है, कल पहला क्लास था, ठीक है? तो एकदम देर नहीं करिए, आज दूसरा क्लास है, कल कौन सा क्लास था? पहला क्लास था। फटाफट देखिए एडमिशन कहां लेना है। अच्छा, ये ढोलक कहां गया? अच्छी बात, के अवसर पर न्यू बैच टाइम एंड टेंस 31 अगस्त 2021 1 बजे से 80% की छूट, देख रहे हो? तो छूट भी मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ, इसको देर मत करो, घर बैठे कृष्ण जी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है बेटा? 12 किताब आपके घर पहुंच जाएगा। तो जितने बच्चे हैं, 12 किताबें, 4 ऊपर 4 बीच में 4 नीचे, ये टोटल 12 किताबें हैं, सबको मिलना चाहिए। सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुरियर चार्ज नहीं, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर यहां दिया हुआ है, ऑर्डर करिए फटाफट, आपके पास पहुंच जाएगा। आगे देखिए कुछ और भी है। ऐप डाउनलोड कहाँ करना है? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ये ऐप है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर जाकर के। ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जिसके 500 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसको आप फटाफट करना है, 500 के मतलब जो है 500 लाख नहीं, ठीक है? तो ये डाउनलोड हो चुके हैं, तो इसको फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ताकि आप घर बैठे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे क्लास ले सको गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है? तो देर नहीं करना है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आगे बढ़ना है। आगे देखो नंबर कहाँ मिलेगा सर? देखो ये नंबर हो गया बीच का मेन नंबर, ये मेन ना भी लगे तो कोई बात, इतने नंबर है पर्सनल, इस पर्सनल पे कॉल कर दो ना, 1 2 3 4 5 6, कोई ना लगता हो तो इस पे कॉल कर लो, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो? ये सारे नंबर आपके लिए स्पेशल हैं, इतने स्टाफ आपके बिठाए हुए हैं, तो इस पे कॉल कर लो, क्लास के लिए तैयार हो जाओ, ताकि देर ना हो जाए। फटाफट देर करके आप एडमिशन ऐप पे भी ले सकते हो, कुछ सीट बचा हुआ है, क्लोज हो जाएगा एडमिशन, तो मत कहना कि सर एडमिशन नहीं हुआ, फिर धर्मेंद्र सर कुछ नहीं कर पाएंगे। और फीस भी आगे, चूंकि लॉकडाउन हट गया है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ऑफलाइन, तो फीस भी इसकी हो जाएगी 6000 ऑनलाइन की फीस, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना कि ऑनलाइन की फीस भी बढ़ जाएगी, 6000 पहले से थी मेरी, ये कोरोना काल में कम कर दिया था, जो कि अब लाइव बैच के साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, तो आपकी फीस मेन फीस की आधी रहती है ऑनलाइन में, क्योंकि आप यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हो, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना फीस इसकी कितनी हो जाएगी, 6000 बुक्स के साथ। तो ये आप देर मत करिए, ऑफर मिला है तो लाभ उठाइए, यहाँ से डाउनलोड करिए ऐप को और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? सारा किताब मिल जाएगा और यहाँ से छूट मिल रहा है आपको, लाइव क्लास का छूट, ऑफलाइन का क्लास मिल रहा है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ठीक है? ये ध्यान दीजिए, 30 अगस्त नया बैच कल से शुरू हुआ है, आज दूसरा क्लास है, तो दूसरा क्लास छूटा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल देर मत करो, फटाफट जाके अभी के अभी कॉल कर लो और एडमिशन करा लो, ताकि आपको देर ना हो जाए, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्लास से वापस आइए। अब प्रश्न उठता है पढ़ने का आगे, तो हमने यहां थे हम लोग, तो नो के साथ क्या लगाते हैं? हाउ टू। नो के साथ हाउ टू, वापस आ जाइए, तो नो के साथ हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, तो हाउ टू का मतलब हुआ मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आपको बोलना है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो टू स्पीक नहीं होगा, क्योंकि नो के साथ लोग टू लगा देते हैं, राइट? अब यहां तक बात समझ में आ गया, तो आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिया सिर्फ पॉजिटिव का। पहला क्या दिया भाई? तो पहला स्ट्रक्चर दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म अदर वर्ड, प्रेजेंट टेंस। इसी का सेकंड दिया कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस v1 प्लस अदर वर्ड। यहीं पे दिया हमने तीसरा स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस नो k a n o w या फिर नोज k n o w s प्लस हाउ टू प्लस v1
प्लस अदर वर्ड, ये तीन स्ट्रक्चर पे आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अब तीनों का प्रैक्टिस करना है, एग्जांपल देना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां समझे गौर से, ये V1 V5 सब है कि नहीं बोलो फटाफट, है ना। लेकिन आपने बताया कि हाउ टू और टू का प्रयोग कब होता है। V1 आ गया चूंकि सेकंड पार्ट जुड़ा हमने, सेंटेंस को लंबा किया, ये सिंपल है, थोड़ा एडवांस किया और एडवांस आए करेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर वही है जो सिंपल है, जिसे हम लोग प्रैक्टिस करना है। तो अब आपको हिंदी में कुछ लाइन लिखवाऊंगा जो लिखना है, फिर फटाफट पूछूंगा क्या बनाया। तो आपको इतना मास्टरी करना है कि जितने स्पीड में हिंदी लिखो बगल में अंग्रेजी भी लिखते रहना है। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसके बाद 2 मिनट का समय दूंगा, आपको अंग्रेजी बनाते रहना, ठीक है। पहला सुनिए, मेरा भाई यह काम करता है, जल्दी से, मेरा भाई यह काम करता है, फटाफट आप सबों को बनाना है अंग्रेजी। मेरा भाई यह काम करता है, फटाफट बनाते रहो। पहला सेंटेंस है, मेरा भाई यह काम करता है, मेरा भाई यह काम करता है। दूसरा, तुम उसे पीटते हो। दूसरा, तुम उसे पीटते हो। तीसरा, रवि रोज स्कूल जाता है, ठीक है। चौथा, मैं लता से मिलना चाहता हूँ, फटाफट आपको अंग्रेजी बनाना है जल्दी से। पांचवा, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, ठीक है। छठा, मैं तैरना जानता हूँ। मैं तैरना जानता हूँ। और लिखो जो भी नंबर है। प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे। जो भी नंबर है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। फटाफट कितने, 10 हो गया क्या? 9। और लिखिए, रवि और मोहन रोज खेलता है। नेक्स्ट लिखो, मेरा दोस्त मेरे पास आता है। हो गया 12, बहुत बढ़िया। अब फटाफट 12-13 हो गया ना, अब जल्दी से सारे सेंटेंस को बनाना है अंग्रेजी में, फटाफट।
फटाफट आपको बनाना है अंग्रेजी साहस ने इसको, जल्दी से एक एक करके बनाते रहना है फटाफट। आपके पास सेंटेंस आ गया है, जल्दी से फटाफट बनाना है और ध्यान देना है बोर्ड पे कौन सा बन रहा है कौन नहीं बन रहा। फटाफट सेंटेंस आपको ध्यान देना है। पहला सेंटेंस देखो भाई, मेरा भाई यह काम करता है। फटाफट जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं बटन जरूर बोले, बनाइए अंग्रेजी इसका, आप टाइप करिए फटाफट, सारे बच्चे टाइप कीजिए, पहला से यहाँ से टाइप कीजिए, पहला से लाइक्स, सबसे पहला काम तुम लोग रुक जाओ और लाइक्स बहाओ, लाइक करो, ये थम्सअप है सो लाइक करो, जैसे लाइक कर दिया, लाइक किया तुमने कर दिया, अब सेंटेंस बनाओ जल्दी से फटाफट, सेंटेंस बनाओ इसका। पहला सेंटेंस क्या तुम्हारे पास, मेरा भाई यह काम करता है, वो क्या मेरा भाई क्या बनाओगे, माय ब्रदर यह काम करता है, बोलो भाई कितना है एक, तो मेरा भाई यह काम करता है तो क्या लिखोगे, माय ब्रदर, ठीक है, यह काम करता है, काम करना का क्या होता है डू, तो बोलो माय ब्रदर डू लगाऊं कि डज लगाऊं, तो माय ब्रदर डज दिस वर्क, माय ब्रदर डज दिस वर्क, किसी को आपत्ति, माय ब्रदर डज दिस वर्क, बिल्कुल सही, माय ब्रदर डज दिस वर्क, अच्छी बात। अगर ओरली सुनो, बोलना है सबको मिलकर एक साथ, अगर मेरा भाई के साथ मैं जोड़ दूं, मेरा मेरा कर दूं ऐसे कर दूं, मेरा को हटा कर दूं मेरे, और भाई के साथ कर दूं लोग, मेरे भाई लोग यह काम करते हैं, मेरे भाई लोग यह काम करता है के बदले कर दूं करते हैं, मेरे भाई लोग यह काम करते हैं, अब बताओ क्या करूं इसमें, पहला काम क्या होगा, ब्रदर को क्या कर दूं ब्रदर्स, और डज को क्या कर दूं डू, अब समझ में आया, तो माय ब्रदर्स डू दिस वर्क, समझ बुद्धा, अगर होता मेरे भाई लोग यह काम करते हैं तो माय ब्रदर्स डू दिस वर्क, तो बोलो वी वन वी फाइव का टेंशन दूर हो रहा है, तो माय ब्रदर्स डू दिस वर्क, तो डू डज का समझ आया, तो डू का मतलब हो गया प्लूरल, डज का मतलब सिंगुलर। दूसरा है तुम मुझसे पिटते हो, बोलो अंग्रेजी फटाफट, तुम मुझसे पिटते हो, यू बीट के बीट्स, बीट के बीट्स, कितने लोग बीट में हैं और कितने लोग बीट्स में हैं, अगर बीट एक, अगर मान लो यू अकेला हो तो बीट्स हो जाएगा, जल्दी सोच दिमाग दिमाग सोचो, तुम उसे पीटते हो मान तुम अकेला सिंगुलर हो तो बीट्स करें कि बीट करें, तो ध्यान देना यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, यू आजीवन होता है प्लूरल, यू क्या होता है आजीवन, तो इब्राहिम का पर्सन आज ही पढ़ाऊंगा, पर्सन हमेशा यू जो होता है सेकेंड पर्सन, तो यू आजीवन क्या होता है प्लूरल, तो यू के साथ हमेशा बीट होगा, बीट्स कभी नहीं होगा, तो यू बीट किसको उसको, तो यू बीट हेम तुम उसे पीटते हो, अगर था तुम लोग उसे पीटते हो तो तुम लोग होता तो यू ऑल कर देते या यू से भी काम चल जाता या ऑल ऑफ यू कर देते, लेकिन यहाँ पे बीट ही रहता हर हाल में, यह चेंज नहीं होता, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी प्लूरल, रवि रोज स्कूल जाता है, फटाफट बोलो एक साथ मिलकर, एक साथ रवि बहुत सुंदर, एक साथ बोलना बोलते रहो, रवि गोज टू स्कूल डेली, ऑल ऑफ यू या यू ऑल, हाँ तो रवि गोज टू स्कूल डेली, बोलो किसी बच्चे को आपत्ति, आगे बढ़े अगला सेंटेंस, सही ना जी, मैं लता से मिलना चाहता हूं, फटाफट सारे बच्चे टाइप करो, बहुत बढ़िया, तो पहला से मैं लता से मिलना चाहता हूं, आई वांट टू, आई वांट क्या, आई वांट्स करूं, आई तो सिंगुलर है फिर वांट वांट्स क्यों नहीं हो रहा, तो ध्यान देना आई यू दे, आई यू दे और वी, चार शब्द ना, आई वी यू दे, चार शब्द, ये चार शब्द आजीवन होता है प्लूरल, बाकी सब होता है सिंगुलर, ठीक है, इसे प्रश्न पढ़ाऊंगा, तो आई के साथ वांट्स नहीं वांट, तो आई वांट टू, टू लग जाएगा, आई वांट टू मीट लता, क्लियर हो गया, आई वांट टू मीट लता, ठीक है, अब मीट के साथ कुछ लगा दे, मीट विथ लता, विथ विथ नहीं होगा, आई वांट टू मीट टू लता, टू भी नहीं होगा, आई वांट टू मीट लता, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ठीक है, अगला देखो, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मैं बहुत बेसिक चल रहा हूँ, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता, ठीक है ना, मैं हर सेंटेंस में आ रहा हूँ ताकि हर बच्चा सीख जाए, जो बच्चे ऑनलाइन में वो सीख लो, कि मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस में 8 टॉपिक है और 8 टॉपिक का पहला टॉपिक है बेसिक ट्रांसलेशन बेसिक स्ट्रक्चर, तो आज का क्लास पूरा का पूरा बेसिक से है, और बेसिक किताब है सबके पास, दिखाओ
ना, दोनों किताब दो। देखो बेटा, सबसे पहले टाइम एंड टेंस का ये किताब है मोटा वाला, जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं प्रिंट किया हुआ, और ये वाला बेसिक किताब, तो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं आया हूँ। टाइम एंड टेंस का यह किताब ले रहा हूँ, बेसिक वाला और ये एडवांस वाला, दोनों किताब आपके पास होना चाहिए। तो पहले मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फिर एडवांस से पढ़ाऊंगा। तो बेसिक किताब है, जो दोनों किताब आपके पास होना चाहिए सारे बच्चों के पास। तो ये किताब आपके पास ना होगा तो दिक्कत हो जाएगा, किताब नहीं है तो जल्दी से ऑर्डर करके मंगवा लीजिए ताकि देर ना हो जाए, ठीक है। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, इसका मतलब मैं निपुण हूँ, तो बोलो क्या रहेगा? आई नो, के एन ओ डब्ल्यू, आई नो How to speak English। सारे बच्चे टाइप कर रहे हो जी, I know how to speak, बहुत बढ़िया। I know how to, एकदम कंटिन्यू टाइप करते रहो, तभी मुझे पता चल सीख रहे हो। I know how to speak English, टाइपिंग रुकनी चाहिए हरे बच्चे का, टाइपिंग मैं चेक कर रहा हूँ। I know how to speak English, yes, बहुत बढ़िया, बहुत सुन टाइपिंग हो रहा है। दूसरा, मैं तैरना जानता हूँ, इस टाइप करो। छठा का, मैं तैरना जानता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे हैं। I know How to swim, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सुंदर तैयारी है। प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे, प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे, टाइप करो फटाफट। प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे, टाइप करो। प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे, टाइपिंग रुकनी नहीं चाहिए, एक ही बच्चों को पढ़ रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री में आ जाओ फटाफट जल्दी से, प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे, जल्दी से, प्रधानमंत्री कल चीन जाएंगे। आई नो हाउ टू स्विम, हो गया, प्रधानमंत्री वाला आ जाओ। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नेम ऑफ पोस्ट है ना, तो सबसे पहला काम आर्टिकल द आएगा, तो द पीएम कहो या फिर द प्राइम मिनिस्टर कहो, राइट। अब हम लगाते हैं सेंटेंस, जो जितना हम, जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं तो उनको दिमाग में जा रहा होगा जाएंगे, फ्यूचर टेंस है, तो बोलेंगे द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो, ठीक है। जैसे कल एक बच्चा बहस भी किया था। अब प्रश्न उठता है कि विल सेल, तो विल सेल हमने पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया, हमने पढ़ाया कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो विल सेल कहां से दूंगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमने कहा था जो एक्शन फिक्स होता है, फ्यूचर का फिक्स प्लान होता है, उसके साथ विल सेल का प्रयोग ना करके प्रेजेंट बनाते हैं, इसलिए विल का प्रयोग करना यहाँ पे गलत होगा, विल गो नहीं होगा, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट टेंस बनेगा। प्रधानमंत्री का जाना क्या है? फिक्स है। मेरा जाना फिक्स नहीं है, मैं जाऊंगा तो विल सेल लगा दो, लेकिन पीएम जाएंगे तो पक्का जाएंगे जाएंगे, इसलिए विल सेल का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा सर? द पीएम गोस, पीएम कितने हैं? एक। द पीएम गोस टू चाइना टुमारो, कितने में सही टाइप किया था? द पीएम गोस टू चाइना टुमारो, बहुत बढ़िया। द पीएम गोस टू चाइना टुमारो, पीएम विल गो नहीं होगा बेटा, कबीर कबीर कुमार, पीएम विल गो नहीं होगा, द पीएम गोस, बहुत बढ़िया। यानी रोहित राजपूत ने सही टाइप किया है, रोहित ने टाइप किया है पीएम गोस, बहुत बढ़िया। लाइक्स बढ़ते रहना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ते रहना चाहिए तभी होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ते रहना चाहिए फटाफट जल्दी से। तो क्या कहा? उसे अंग्रेजी पढ़ना आता, जल्दी से बोलो, उसे अंग्रेजी पढ़ना आता, क्या बोलेंगे? ही, वो आवाज नहीं निकल रहा, ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश, ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश, नाउज मत पढ़ना उसको, समझ गया ना, क्या पढ़ोगे? नोज, He knows how to read English. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, जल्दी से, I want to, no नहीं आएगा, I want to speak English. I want to speak, typing करते रहो फटाफट से, typing करते रहो, typing slow हो रहा है बेटा, typing slow नहीं, typing तेज, अच्छी बात। अगला बोलो जल्दी से, अगला है वह कुछ कहना चाहता है, टाइप करो फटाफट, वह कुछ कहना चाहता है, वह कुछ कहना चाहता है, टाइपिंग तेज, वह कुछ कहना चाहता है, जल्दी से, वह कुछ कहना चाहता है, ही वांट्स टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहता है, वांट्स टू से समथिंग, बहुत। रवि और मोहन रोज खेलता है, रवि और मोहन, क्या हो गया प्लूरल, तो क्या बनाएंगे हम? रवि एंड मोहन, है ना, प्ले की प्लेज, प्ले की प्लेज, प्ले, बहुत सुंदर। तो रवि एंड मोहन प्ले डेली,
है, कोई आपत्ति है तो रवि एंड मोहन प्ले डेली। मेरा दोस्त मेरे पास आता है जल्दी से, मेरा दोस्त टाइपिंग करो फटाफट यूट्यूब वाले बच्चे, टाइपिंग यूट्यूब ऐप सारे बच्चे टाइपिंग रुकनी चाहिए, टाइपिंग हर बच्चे के लिए क्लास चल रहा है, टाइपिंग नहीं रुकनी चाहिए। ना तो तुमने लाइक्स किया अभी तक, ना सब्सक्राइब किया है, ना शेयर किया है, ऐसे कैसे पहुंचोगे बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे कैसे बढ़ेगा क्लास? तेजी के साथ बढ़ाइए फटाफट, अभी तक तो तुमने सब्सक्राइब ही नहीं किया, मुझे पता है तुमको, ठीक है। मेरा दोस्त मेरे पास आता है, जल्दी से बोलो, माई फ्रेंड कम टू मी कि कम्स टू मी? कम्स टू मी, बहुत ही बेसिक क्लास है सर, कम्स टू मी कब? बस हो गया, मेरे पास आता है, माई फ्रेंड कम्स टू मी, खत्म कहानी, आगे देखिए और है तब, खत्म हो गया क्या, इतना ही था क्या? बहुत बढ़िया, इतना ही सेंटेंस था, यहाँ तक हम सीख लिया, बहुत ही लॉलीपॉप बेसिक्स चल रहा हूँ। आपके पास बेसिक किताब मिला होगा, आपको फर्ज बनता है कि बेसिक वाला तैयार करें, जितना प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है वो सब बना करके कल आना है, कि बच्चों को चेक करूंगा, खड़ा करवा के पूछूंगा, इसको ध्यान रखिए, कैसे पूछूंगा आज किताब में बेटा, खड़ा कर पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, देखिए ध्यान दीजिए, जो पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा अभी, और पढ़ाऊंगा अभी, खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक एक बच्चा से खड़ा करवा करवा पूछूंगा, ताकि हर बच्चे को समझ में बेहतर तरीके से आ सके और बच्चा सीख सके अंग्रेजी और बेहतर कर सके। देखो तुम जरा सा खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी से एकदम, जितना तेज बोलूंगा उतना तेज तुम ही बोलना, बोलो हम लोग खाते हैं, अंग्रेजी बोलो तुम, मैं हिंदी बोलो तुम अंग्रेजी बोलो, हम लोग खाते हैं, देखो बोलते हैं बीट्स, यही पकड़ना है, यही जुबान पे कंट्रोल रखना है। चलो तुम गाते हो, देखो सिंग से बोल दिया, यू सिंग है ना, रीता नाचती है, रीता नाचती है, तुम लोग टाइप करो, तुम बोलो रीता डांस, देखो डांसेस है ना, वह रोता है ना, आप लोग हंसते हैं, यू लाफ स्ट्रेस में, कुछ बोलो, हम लोग जानते हैं, वी नो, बैठो, चलो तुम लड़की खड़े हो जाओ, बोल जल्दी से बोलना है, मैं खाता हूं ना, देखो दुराना नहीं, सीधा अंग्रेजी बोलना है, तुम खाती हो, लता खाती है, मैं और तुम खाते हैं, अभी तुम जो बना बोल दो, वो बात जाता है, लता जाती है, रेखा जाती है, रेखा और सीता जाती है, गो, बहुत बढ़िया, कंट्रोल करना है, अभी तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ रहा होगा, पड़ रहा होगा ना, बैठ जाओ, तो सबके माइंड पर प्रेशर पड़ रहा, खड़ा होने के बाद और प्रेशर पड़ेगा, तो वाइल स्पीकिंग यू फील लॉट ऑफ प्रेशर, जब बोलोगे नहीं तो बहुत प्रेशर होगा तुम लोगों पर, पता है क्यों? क्योंकि निकलता नहीं है, लेकिन इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना क्लास में कि अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, खाली बस एक बार समझेंगे कोई बुलवाऊंगा इतना ज्यादा हो जाएगा। देखो गौर से हमने क्या सीखा, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, बोलो खाली इसी का नहीं सीखा, इसी का सीखा पॉजिटिव, इसी का सीखा नो, इसी का सीखा हाउ टू। अब देखो आगे, अब अगला सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि जब हम पॉजिटिव काम करते हैं तो नेगेटिव भी, धारा 231 यू एंड आई, ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ, 231 होता है बेटा, 231 धारा 231, ये तुमको पता नहीं है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो 2+1 होगा, समझा नहीं समझा, तो यू एंड आई होगा। जब भी अंग्रेजी बोलो और पर्सन एक से ज्यादा हो तो क्या बोलो, पहले यू, फिर क्या बोलो ही, फिर क्या बोलो आई, अगर तीन ना हो दो ही हो तो 2+ क्या हो जाएगा, यू प्लस आई, यू प्लस ही, हाँ जी, ही प्लस आई, आई को हमेशा लास्ट में रखते हैं, चाहे मैं और तुम बोले चाहे तुम और मैं बोले, एक ही बात है, समझा मुद्दा, आगे बढ़े, अच्छी बात, जब बारिश हो रही है क्या बेटा, तेज, अच्छी बात, तो यहाँ क्या हुआ, सर प्लस बढ़ गया। अब देखो नेगेटिव बनाते हैं, क्या कहा, नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव में ध्यान देना, ये दोनों क्या कहलाता है, मेन वर्ब, क्या कहलाता है जी, मेन वर्ब, ठीक है, तो मेन वर्ब कहलाता है जब हम बनाते हैं किसी का नेगेटिव, तो मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना, सब पढ़ाऊंगा आगे, तो अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता,
जैसे समझो हमने बोला आई गो, बड़ा नेगेटिव बोलना है इसको, जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, हमने बोल दिया आई गो नॉट, या बोल दिया आई नॉट गो, ये दोनों गलत है, दोनों ही। क्यों सर? क्योंकि मेन वर्ब के साथ ना तो आगे नॉट ना पीछे नॉट कहीं नॉट नहीं लगता, तो नॉट लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो नो नॉट में अंतर क्या है? नो एक एडवर्ब जो कहीं भी आ सकता है, लेकिन नॉट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, क्लियर। इसलिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो हमको यहाँ पे डू डज यानी सब्जेक्ट प्लस डू, बोलो डू भी वन हुआ कि नहीं हुआ, डज वी फाइव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे? नॉट, और तब लगा देंगे वी वन प्लस अदर वर्ड। इसी को शॉर्ट करने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट को डू में नॉट लगा दिए डोंट हो जाएगा, और डज में नॉट लगा दीजिए डजंट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा वी वन प्लस अदर वर्ड। क्लियर? एक एक बच्चे को सिखाऊंगा अंग्रेजी, हिंदुस्तान का हर बच्चा बोलेगा। अब बोल पर ध्यान दो, नजर का रखो, स्ट्रक्चर सेम है, यहीं पे मैं वांट और नो जोड़ना चाहता हूं, चाहना और जानना, तो कुछ नहीं करना, ध्यान देना, वांट और नो वहीं आएगा जहां वर्ब होगा, तो वर्ब वहीं पे ना है, यानी अगर इसमें वांट जोड़ना हो तो क्या करूंगा, इसको हटा दिया, अब यहीं पे जोड़ दिया हमने वांट, तो क्या था? वांट प्लस टू प्लस वी वन, यही था ना जी, और नो के साथ क्या था? नो प्लस हाउ टू प्लस वी वन, यहां भी सेम आ जाएगा, नेगेटिव में भी वांट प्लस टू नो प्लस हाउ टू, बोलो क्या पत्ती? मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा निकालोगे उतना ज्यादा अंग्रेजी आपका स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर क्लियर होगा उतना ज्यादा अंग्रेजी बोलना आएगा, लिखना आएगा। ठीक है, द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर सीखेंगे उतना ज्यादा आपका अंग्रेजी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसलिए स्ट्रक्चर बहुत तेजी के साथ सीखना, आज क्लास दो है, आज बेसिक के साथ सिखा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस हर सेंटेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चा से बच्चा हिंदुस्तान के क्लास सिक्स का बच्चा भी सीख पाए और 60 ईयर्स ओल्ड भी पढ़ पाए, यहाँ नहीं जब बिल्कुल बोलना तक सिखा दे रहा हूँ, हर बच्चे को बोलना भी आ जाएगा, बहुत आसान काम दे रहा हूँ, बहुत बेसिक काम दे रहा हूँ, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस दे रहा हूं 10 प्रैक्टिस, ठीक है, मिटाऊं इसको, उतार लिया तो जल्दी से सेंटेंस लिखिए फटाफट। वह तुम्हें नहीं पिटता है, वह तुम्हें नहीं पिटता है, ठीक है, दूसरा, पहला था दूसरा, तुम उसे नहीं जानते हो, तीसरा, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो लिख पा रहे हो ना तुम लोग? आगे देखो, अगला सेंटेंस है नंबर 4, वह स्कूल रोज नहीं जाती है, 5वां, वह तैरना नहीं जानता है, 6ठा,
मेरा भाई, मेरा भाई नहीं पढ़ना चाहता है। छह हो गए, जल्दी से एक ही बच्चे को टाइपिंग करते रहना है फटाफट। हो गया जी, उतार लिया। चलिए अब देखिए, पहला ही ना है, उबा तुम्हें नहीं पीटता है, तो जल्दी बनाइए फटाफट। उबा तुम्हें, टाइपिंग करो बेटा फटाफट, यूट्यूब वाले बच्चे टाइपिंग करो फटाफट। अभी पॉजिटिव या नेगेटिव में आ गए हम लोग। उबा एक ही को सीखना है, अगर सीखना है तो टाइप करो, सीखना है तो टाइप करो। और लाइव ये पेड बैच है बेटा, इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा मैं अभी, आज दूसरा क्लास है, क्लास चलेगा कंटिन्यू टेंस के साथ, प्रैक्टिस साथ काम करवा रहा हूँ। तो आपको टाइपिंग करना है, वह तुम्हें नहीं पीटता है, क्या टाइपिंग करो फटाफट। वह तुम्हें नहीं पीटता, क्या बोलोगे? ही डोंट, की डजंट, बोलते रहिए फटाफट से। ही डजंट बीट, की बीट्स, बीट वी वन, यानी कि वी फाइव सिर्फ पॉजिटिव में आता है, वी वन और नेगेटिव में क्या आता है? वी वन। तो ही डजंट बीट, हो गया ना। आगे देखिए, तुम उसे नहीं जानते हो, क्या बनाऊंगा? तुम उसे नहीं जानते हो, यू यू डोंट, जल्दी से बनाइए यू डोंट। अब न्यू हाउ टू नहीं आएगा, क्यों? हाउ टू तब आएगा। देखो यहां पे नहीं, देखो अंग्रेजी बोलना, एक हुआ बोलना, एक हुआ आना, दो चीज हो गया। जब दो वर्ब होगा तभी हाउ टू का प्रयोग होगा। तुम उसे नहीं जानते, व्यक्ति को ही जानते हैं हम लोग। जैसे मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, पढ़ना और जानना दो वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, उस केस में हाउ टू आएगा। यहां पे यू डोंट नो हिम, यहाँ व्यक्ति को नहीं जानते ना, कोई काम नहीं जानते, यहाँ पे थोड़े निपुणता हो रहा है, यहाँ तो अभाव ही दिख रहा है। आई डोंट नो हिम, वह सुना है ना, तो आई डोंट नो हिम। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, टाइप के प्रॉब्लम से बच्चे टाइप नहीं कर रहे हैं जी। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्या टाइप करोगे? यू यू डोंट नो। अब यहां हाउ टू आ जाएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बहुत अच्छा तैयारी, आगे देखिए गौर से। अगला ही ना है, नहीं अगला ही नहीं था, हाँ। वह स्कूल रोज नहीं जाती है, वह स्कूल रोज नहीं जाती है, टाइप करो फटाफट। वह स्कूल रोज नहीं जाती है, फटाफट टाइप करो। वह स्कूल रोज नहीं जाती है, क्या होगा? ही डजंट गो टू स्कूल डेली, यहां पे गोज नहीं होगा, डजंट आ गया। वह तैरना नहीं जानता है, जल्दी से तो सीख कर दो ना भाई, क्या दिक्कत, अपने हाथ का खेल है। ही को क्या कर दो? वह तैरना नहीं जानता है, ही डजंट नो, क्या आ जाएगा? हाउ टू स्विम, का पति। अगला देखो, मेरा भाई नहीं पढ़ना चाहता है, क्या बनाओगे? माई ब्रदर डजंट, डजंट वॉन्ट टू रीड। बच्चे टाइप कर रहे हैं सब लोग, माई ब्रदर डजंट वॉन्ट टू रीड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप सबों को एक एक पार्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है? टेंस का बुक ले ले सबने। आगे देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में थोड़ा सा वोकैब, अगर पार्ट आ गया होगा तो पहले वोकैब में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। वोकैब में टी टू चलेगा, क्या चलेगा? टी टू। अभी ध्यान देना, क्या पढ़ा हूँ? पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान रखना है, क्योंकि अभी पूरा पहले चलेगा स्ट्रक्चर, बेसिक 8 पॉइंट दिया हूँ ना, तो 8 का पहले बेसिक कराऊंगा, तो चल रहा है, हम लोग शुरू हो चुका है। एक एक बच्चे को देखो, जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे काम नहीं चलेगा, ठीक है? अब आ जाइए यहाँ तक, अब यहाँ पे आ जाइए, वो कैब पे ध्यान दीजिए, वो कैब क्या कह रहा है उस पर फोकस करिए।
वो कैब कह रहा है कि ताकि वो कैब कैसे बताया था बिना वो कैबलरी के अंग्रेजी नहीं होता, सब कुछ पढ़ लिया वो कैब नहीं आता तो पेपर पढ़ना नहीं आएगा, मैगजीन पढ़ना नहीं आएगा, इसलिए वो कैब क्या है कंपलसरी है। देखिए बोर्ड पे, अब यहाँ पे मेरे साथ आपको अभी बोलना नहीं सुनना है। पहले पहला वर्ड क्या है, डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है निराश, हताश, पसल। दिमाग पहले बनाना है इमेज, क्या था ना किसी चीज को पढ़ना चाहते हो पहले इमेज बना लो, तो डेस्परेट का मतलब निराश। कैसे दिमाग पर, तो डेस्परेट को याद कर लो डिसपरेट। अब इसको दो वर्ड हुआ ध्यान, एक डिसपरेट भी होगा। देखिए गौस 14 नंबर वर्ड, पहले इसको याद, तब उसको याद करिएगा। क्या है डिसपरेट, मतलब क्या होता है भिन्न भिन्न। ये क्या है भाई, डिस नहीं लिखा, डिसपरेट, यानी डिस घर में लगाते हो ना जी टीवी देखने के लिए, तो डिस पर रेट भी डिस टीवी आएगा। कोई बोलेगा 200 में, कोई बोला 100 रुपए में, एयरटेल 50 रुपए में, तो डिस पर रेट क्या हो गया है भिन्न भिन्न। तो डिस पर रेट देखो ना, डिस पर रेट वो है डेस, वो है डीईएस है, यह है डीआईएस। तो डिस पर रेट, डिस पर रेट, डिस पर रेट, कल्पना करो छतरी लगा हुआ है डिस पर रेट, तो डिस पर रेट क्या है भिन्न भिन्न हो गया है। तो लोग हो गए हैं डेस्परेट, निराश हो गए। तो डिस्परेट का मतलब भिन्न भिन्न और डेस्परेट मतलब निराश, परेशान। बोलते यार तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो, मतलब इतना परेशान क्यों हो रहे हो, बेचैन क्यों हो रहे हो, समझ दो। तो डेस्परेट मतलब बेचैन भी होता है, चाहो तो हिंदी लिख लो कहीं पे, तो डेस्परेट मतलब बेचैन। तो डिस्परेट क्या है जी, भिन्न भिन्न। तो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। सोचो दिमाग को क्या हुआ, डिस पर रेट क्या है भिन्न भिन्न, लोग क्या हो गए। तो डिस पर रेट का हिंदी क्या होता है भिन्न भिन्न, और डिस पर रेट का हिंदी, अच्छी बात। आगे देखो कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि। कैसे याद करें सर, कॉम्प्लेसेंट कल्पना करो, कहा तो खो जाना, कॉम्प्लेसेंट कम प्लेस में संत, जो संत महापुरुष होते हैं ना कम प्लेस में भी संतुष्ट रहते हैं। तुम कहोगे सर आसाराम, तो आसाराम संत नहीं था, हिंदुस्तान में संत हैं ऐसी बात नहीं है। जहां न्याय है वहीं अन्याय है, जहां झूठ है वहीं सत्य है, वरना वैल्यू खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान संतों का देश रहा है, यहां महान महान संत पैदा हुए हैं, आज भी संत हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ संत उसी में एकादो बन जाते हैं, एकादो उसमें, तो उसी की बात है। कॉम्प्लेसेंट कम प्लेस में संत क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट, याद हो गया। संत को क्या चाहिए, कम्प्लेस चाहिए। अपोक्राइफल नकली, आपको तुमको राइफल तान दिया कि मार दो गोली, तुमने कहा कि तो राइफल प्लास्टिक का है, तो क्या अरे भाई साहब आपका राइफल नकली है। अपोक्राइफल आपकी राइफल, नहीं लग रहा है, अपोक्राइफल आपकी राइफल, तो आपकी राइफल कैसी है, नकली है, डुप्लीकेट है। डिस्परेट हो गया अभी का। बैडी नाज मतलब मजाक करना, हंसी मजाक, बैडी नाज बड़े नाज, अभी तो इतना तू हंसी मजाक कर रहा, बड़े नाज से करने, बड़े नाज से नाजो नखरे हैं, तो बड़े नाज से क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है। आगे देखो पहले फिर बुलवाऊंगा आपसे, अभी दिखवा रहा हूँ सिर्फ। जिटरी का मतलब घबराहट। एक मूवी था थ्री इडियट्स, उसमें कहा था कि जब दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, जब दोस्त फेल होता है तो क्या होता है दुख होता है, और जब टॉप कर जाता है तो महादुख होता है। उसमें कह रहा है जिटरी, जीत तेरी घबराहट मेरी। तो जब दोस्त जीत रहा होता है तो उसका दोस्त घबरा रहा होता, कहीं जीत ही ना जाए, चाहता नहीं कि जीते, लेकिन अंदर से बेचैनी हो रही है कि अब ऊपर से कहता नहीं नहीं दौड़ दौड़ मैं हूं तुम्हारे साथ। जब जीत रहा होता कहीं जीत ना जाए यार, मतलब तुम बढ़ जाओगे पीछे रह जाएगा ना। तो जिटरी मतलब घबराहट, जीत तेरी घबराहट मेरी। हेल का मतलब प्रशंसा करना, नेताजी हॉल में आ गए भाषण दे रहे हैं, प्रशंसा करना पड़ेगा, तो हेल मतलब प्रशंसा करना। पगनेसियस मतलब झगड़ालू, पंगा। पगनेसियस क्या आपको पंगा से, जो पंगा लेता है कैसा होता है झगड़ालू, पगनेसियस पंगा, पगनेसियस पंगा, यानी पंगा लेने वाला कैसा होता है झगड़ालू। डेलीटेरियस हानिकारक, डेलीटेरियस 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 डेलीटेरी एस, यानी तुम्हारी रोज ऐस हो रही है भाई तो हानिकारक, इतना ऐस मत करो, तुम्हारी ऐस रोज हो रही है तो हानिकारक है ना। फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फ्लूक कहते हैं। तो फ्लूक याद कर लो, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू किसी को हो जाए तो डॉक्टर को क्या मिलता है, अप्रत्याशित लाभ मिलता है। डॉक्टर चाहता है कि बीमारियां दो चार आ जाए, आखिर डॉक्टर भगवान से क्या पूजा करता होगा, भगवान फैलाई बीमारी आसपास नहीं कहता होगा। वकील क्या कहता होगा कि चौथा सुख शांति हो,
वकील तो चाहता हुआ केस मुकदमा लगे, नहीं तो क्या मार्केट डाउन है, केस आज तक हो ही नहीं रहा आजकल। तो वकील को क्या चाहिए? झगड़ा। डॉक्टर क्या चाहिए? रोगी। अगर चारों तरफ सुख शांति हो जाएगा तो डॉक्टर किस काम का? समझ पा रहे हो ना? तो हर आदमी क्या चाहता है? अपने बिजनेस को चाहता है। तो फ्लूक मतलब अप्रत्याशित लाभ। भले डॉक्टर जाते तो अफसोस करते अलग बात है, लेकिन उसको बीमारी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एक बार मेरे साथ धुरा लो, यहां धुराओ, बोलो डिस्परेट, आवाज निकालो डिस्परेट, डिस्परेट, भिन्न भिन्न। लोग डिस्परेट हो गए, बेचैन होना, डिस्परेट, हताश होना, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसमेंट, आत्मसंतुष्टि, अपोक्राइफल, नकली, अपोक्राइफल, आपकी राइफल नकली है, बैडीनाज, मजाक करना, बैडीनाज, हंसी मजाक, बैडीनाज, हंसी मजाक, बैडीनाज, हंसी मजाक, जिटरी, घबराहट, जिटरी, जीत तेरी, घबराहट मेरी, जिटरी, घबराहट, हेल, प्रशंसा, हेल, हॉल में बैठकर तारीफ करना, पैग्नेसियस, झगड़ालू, पैग्नेसियस, पंगा लेने वाला, झगड़ालू, डेलेटेरियस, हानिकारक, डेलेटेरियस, डेलिटेरियस, हानिकारक, फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ, फ्लूक, बर्ड फ्लू होने पर लाभ होना, फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। चलिए अब नीचे देखिए, वोकैब दिया है बहुत ही बेसिक, एक वर्ड का दो तीन हिंदी दिया है। जनरल का मतलब सामान्य भी होता है, जनरल मतलब ऊंची भी होता है, ग्रेव मतलब कब्र भी होता है, ग्रेव मतलब गंभीर भी होता है। तो क्या बेसिक वर्ड? ग्रेज मतलब चरना भी, चराना भी, खरोचना भी, द काउ ग्रेजेस ग्रास है ना। ग्रॉस का मतलब 12 दर्जन भी, कुल भी, असिस्ट भी, हैंग मतलब लटकाना भी, फांसी लगाना भी। तो ये वर्ड आपको याद करना है। इम्प्लीमेंट मतलब यंत्र भी, औजार भी, करने करना भी, इंटरेस्ट मतलब रुचि भी और ब्याज भी। मैं तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब इंटरेस्ट रुचि ब्याज भी, काइंड मतलब दयालु भी, प्रकार भी, काइट मतलब पतंग भी होता है। अच्छी देखो बहुत बेसिक है, तो ये चीज़ आपको किताब में लिखा हुआ, इसको पढ़ना है, घर पे याद करना है। कल क्या करूँगा? पूछूंगा T1 भी और T2 भी। अभी मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन समाप्त कर दूँ, फिर आपको ऑफलाइन से पूछना शुरू कर दूंगा। तो बेसिक यहाँ तक है, तो सब इसको याद करना है। जैसे मम्मी है, मम्मी का मतलब माँ भी होता है, रसायनों द्वारा संभाल कर रखा गया शब्द भी होता है, देख रहे हो ना। मोल का मतलब तिल भी, छुछुंदर भी, माइन मेरा भी, खदान भी, देख रहे हो। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको एक बार याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आया बच्चे? कोई आपत्ति नहीं है? तो आज क्लास हम लोगों का यहीं तक चलेगा। अभी क्लास टाइमिंग थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटे क्लास ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्लास कर दूंगा 1.5 घंटे का, जब बच्चे और स्टेबल हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, फिर क्लास आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं फिर से, यहीं से क्लास स्टार्ट करता हूँ बेसिक से ही, ठीक है। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस, ठीक है बालक। चलिए।